हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलो तो आज हम कर रहे हैं 11th की यूनिट नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? पहले तो ये बता दें हम, किसी भी मॉलिक्यूल जो है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके जो भी एटम्स हैं, जो भी कंबाइनिंग एटम्स हैं, उन एटम्स के बीच में एक फोर्स होता है जो उनको होल्ड करके रखता है। मान लीजिए कोई एक ए एटम है और कोई बी एटम है, उन दोनों को मिला करके हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया ए बी। एक ए एटम है, एक बी एटम हमारे पास है, इन दोनों को मिला करके हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया ए बी मॉलिक्यूल। तो इन दोनों एटम्स के बीच में क्या है? एक अट्रैक्शन तो है, और वो अट्रैक्शन की वजह से दोनों क्या है, आपस में टाइटली हेल्ड हैं, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल देते हैं? केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। बाकी बॉन्ड जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे हम दिखाते हैं कि भाई एच सी एल हमारे पास, एच सी एल ऐसे हम दिखाते हैं। आपने पढ़ा ना टेंथ में, ये सिंगल बॉन्ड बना दी, ओ टू मॉलिक्यूल है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ओ डबल बॉन्ड हो, इसमें डबल बॉन्ड होती हैं। तो ऐसे मतलब कोई ये दो लाइनें या सिंगल लाइन, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं होती किसी के बीच में। तो हम, ये तो हमारे दिखाने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाकी जो बॉन्ड है वो क्या है? बॉन्ड एक अट्रैक्शन है, जो भी कंबाइनिंग एटम्स हैं, जो भी अट्रैक्टिंग जो एटम्स हैं उनके बीच का एक अट्रैक्शन है जो उनको होल्ड करके रखता है, टाइटली उनको एक दूसरे की तरफ खींच के रखता है, और वो इकट्ठा मतलब शो हो जाते हैं फिर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द केमिकल बॉन्ड। अब आ जाती है कि जो एटम्स हैं ये आपस में कंबाइन क्यों हुए, मॉलिक्यूल क्यों बना। तो आपने सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं एक बार बता दूँ कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अब स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे आप? स्टेबिलिटी के लिए हम क्या बताते हैं कि उनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट वो कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स उनकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी किसी कोई कोई जो एलिमेंट है वो डुप्लेट भी दिखाता है, मतलब मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन भी रखता है, तो उनको हम क्या मानते हैं कि वो स्टेबल है। अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वैलेंस सेल के अंदर, तो इट मीन्स वो क्या है, स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, किसी दूसरे के पास जाता है, दूसरे के साथ कंबाइंड होता है और मॉलिक्यूल बनाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, अब वो जो स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं, अब वो स्टेबिलिटी क्या हुआ, किसी दूसरे के पास आएगा ना, दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, दूसरे के साथ अट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा, मीन्स केमिकल बॉन्ड बनानी पड़ेंगी। तो केमिकल बॉन्ड किस किस तरीके से बनाता है, क्या क्या मोड हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, और किस किस टाइप की बॉन्ड फिर उनके बीच में बन जाती हैं, किस किस तरह के अट्रैक्शन उनके बीच में बन जाते हैं। जो केमिकल बॉन्ड है या फिर जो मोड ऑफ कॉम्बिनेशन है, मोड ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन द एटम्स जो है वो क्या है, दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। दूसरा तरीका क्या है, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम या बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। जो भी कंबाइनिंग एटम्स हैं उसमें से एक हमारे पास ये एक ए एटम है, एक ये बी एटम है, इसने क्या किया, इसने आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली इसको ट्रांसफर कर दिया। जो भी एक्टर, सपोज इसके पास में एक्टर इलेक्ट्रॉन था और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इसने कम्प्लीटली इसको ट्रांसफर कर दिया। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास होते हैं 281, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ऑक्टेट से, और क्लोरीन, क्लोरीन के पास होता है 287। अगर इसको एक मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। अब इसके पास भी 8 हो जाएंगे वैलेंस सेल में, और इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने दे दिया, अब इसके पास 2 सेल बचेंगी, और इसकी जो लास्ट वाली सेल अब ये मानी जाएगी फिर,
अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो ये तरीका है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्बिनेशन का। और इस तरह से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी, जो केमिकल बॉन्ड बनेगा, उस केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं इसको हम। तो ये तो हम आयोनिक बॉन्ड होती है, मीन्स जो मोड है कॉम्बिनेशन का वो क्या है, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये तरीका है। तो दूसरा क्या है फिर, दूसरा क्या है, सेलिंग का। अब सेलिंग भी ना दो तरीके से होती है, सेलिंग भी दो तरीके से होती है। उसमें फिर एक में तो बनेगा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड और एक में बनेगा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, मींस सेलिंग किस किस तरीके से खा सकते हैं हम। सपोज एक ए एटम है, एक बी एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। अब इसने क्या किया, इसने इस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, वन इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करवाएगा, मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग। दोनों जो एटम है, जो कंबाइनिंग एटम है, इन दोनों ने इक्वली इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाया है, म्यूचुअल शेयरिंग करवाई है। तो इस तरीके जो शेयरिंग हम करवाते हैं उससे क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोऑर्डिनेट कब बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को शेयर करवा ले, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला शेयर कर रहा है, ये तो इसके तो है ही, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एक कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट एक ही कर रहा है, लेकिन शेयर जो है वो दोनों कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए इक्वल अमाउंट में और दोनों ही शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर कंट्रीब्यूट एक कर रहा है बट शेयर दोनों कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जैसे सपोज मान लीजिए आप क्लासरूम में जब होते हैं तो क्या करते हैं, जो लंच टाइम है उसमें सपोज आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं मिलकर के, दो फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, उन दोनों ने क्या किया, एक जो फ्रेंड है उसने क्या किया, कुछ भी खाने के लिए लेके आता है, उन्होंने दो बिस्किट के पैकेट वो लेके आता है, ठीक है। उसने एक जो बिस्किट का पैकेट है वो बिस्किट पैकेट अपने दोस्त को दे दिया है, कम्प्लीटली ट्रांसफर कर दिया है कि चल तू खाई कम्प्लीट पूरा का पूरा। तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ, जो बॉन्डिंग बनी, वो कैसी है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे दिखाएं कि सपोज दोनों जो फ्रेंड हैं वो दोनों ही लेके आए हैं अपना अपना, ठीक है, अभी क्या किया, उसने उसका शेयर कर लिया, उसने उसका शेयर कर लिया, वो उसके में भी खा रहा है, अपने में भी खा रहा है, वो भी अपने में भी खा रहा है, उसके में भी खा रहा है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, उनकी जो बॉन्डिंग बनी है वो कैसे बनी है, कोवलेंट, दोनों ने शेयरिंग की है, म्यूचुअल शेयरिंग करवा रहे दोनों ही, ठीक है। कोऑर्डिनेट कब बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है कि एक फ्रेंड जो है वो बिस्किट का पैकेट लेके आया, दूसरा वाला नहीं लाया है, लेकिन उसने अपना कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, खुद भी खा रहा है उसको भी खिला रहा है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूट तो एक ने किया है लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं। तो उस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर डेटिव, या इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके तीन तरह की ये बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीन तरह की केमिकल बॉन्ड होती है, ठीक है। अब वे आयोनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, पहले आयनिक बॉन्ड जो है या फिर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। तो बता दिया आपने कि आयनिक बॉन्ड क्या होती है, आयनिक बॉन्ड बना करके जो मॉलिक्यूल बना वो आयनिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब आयनिक जो मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल जैसे हमने NaCl दिखाया था, ठीक है, NaBr है, MgO है, Mg
Cl2 है, ठीक है, ये क्या है, आयनिक मोलिकूल्स हो गए जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। अब ये जो आयनिक मोलिकूल्स है ये कैसे बनाते हैं, इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, आपने टेंथ में पढ़ा हुआ है पॉइंट, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी इसको। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारे पास, वो कैसे बनाते हैं आप इनका पहले लेविस डॉट सिंबल दिखाएंगे, आता है ना लेविस डॉट सिंबल बनाना, लेविस डॉट सिंबल कैसे बनाते हैं, एलिमेंट्स का सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर हम उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट के फॉर्म में दिखा देते हैं। अब मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन टोटल, 2a2, वैलेंस कितने हैं, 2 हैं, तो इसके ऊपर हम 2 डॉट बना के दिखा देंगे, तो ये वैसा लेविस सिंबल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी के याद होने चाहिए, कम से कम जो हमारे पास 20 एलिमेंट हैं वहाँ तक तो आपको कम से कम याद होने चाहिए तुरंत, तभी आप फटाफट से बना पाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के पास होते कितने, 6 होते हैं। अब इसके पास 8 होने में क्या है, 2 की कमी है, 2 and 6 होता है ना ऑक्सीजन, 2 की कमी है। मैग्नीशियम कितना है, 2a2, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, ये क्या करता है अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के पास कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। मैग्नीशियम तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम तो बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या बन गया, O2 नेगेटिव। इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने दिए हैं, देने वाला क्या बन जाता है पॉजिटिव, लेने वाला क्या होता है नेगेटिव, रिच हो गया, ये बन गया हमारे पास आयंस, कैटायन और एनायन बन गए। अब इन कैटायन और एनायन में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा आपस में, अपोजिट चार्ज में क्या होता है अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक मॉलिक्यूल Mg वो बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी बना के दिखाएं, तो ये फॉर्मेशन तो आपको वगैरह नहीं आती है, आपने टेंथ में भी सीखा था, अभी मैं जो बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स जिनके ऊपर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन या आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है, तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो पहला हमारे पास क्या होता है पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो ये अभी मैंने जो बताया आपको एग्जांपल लिया था हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कैटायन बनेगा पहले, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा वाला गेन करता है, मीन्स एक कैटायन बनेगा एक एनायन बनेगा। जितना जल्दी कैटायन और एनायन बन जाएंगे उतना ही जल्दी उनमें क्या होगा, फिर अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, लैटिस आयनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज अ लैटिस, उनको हम लैटिस भी बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी बोल देते हैं उनको। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए कैटायन और एनायन होने चाहिए ना, तो कैटायन कितनी जल्दी बन जाता है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। किसी भी एलिमेंट का साइज जितना बड़ा होगा, कोई भी एटम जितने बड़े साइज का होगा, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होता है उतना ही जल्दी वो अपना इलेक्ट्रॉन इजेट आउट कर देगा। अगर स्मॉल साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजेट आउट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी ना, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपने थर्ड वैलेंट में पढ़ा था ये सब चीज़ें। तो एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, एटॉमिक साइज जितना हमारे पास लार्ज होगा उतना ही जल्दी वो अपना इलेक्ट्रॉन इजेट आउट कर देता है, इजेट आउट कर देगा इजिली इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, मीन्स उतनी ही जल्दी कैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, कैटायन बन जाएगा। मीन्स साइज बड़ा है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी फिर उसकी, कम। मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी उतना ही जल्दी वो एलिमेंट अपने आप को कैटायन में कन्वर्ट कर लेगा वो एटम। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, इट शुड बी लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एंथैल्पी कम कब होगी, जब साइज एटम का क्या होगा, बड़ा होगा। जो बड़े साइज के एटम हैं जिनके अंदर पिल्लो हैं वो बहुत ही इजीली से, बहुत ही जल्दी से कैटायन फॉर्मेशन कर लेते हैं, कैटायन बनेगा तब तो आगे का प्रोसेस चलेगा फिर।
ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या हो जाता है हमारे पास फिर, अब इसमें आप एग्जांपल हैं हमारे पास सोडियम है पोटेशियम है, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो जल्दी से फॉर्मेशन क्या करेंगे, कौन करेगा? पोटेशियम, क्योंकि इसका साइज क्या है, लार्ज है, जल्दी से क्या टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एंथैल्पी इसकी लो है। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने पढ़ी थी ना, उसको आप मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव इस फॉर्म में दिखाते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है? जब कोई भी एलिमेंट कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस टाइम वो एनर्जी को रिलीज करेगा, रिलीज करता है ना, इसलिए हम वो नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इट मीन्स उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम क्या दिखाएंगे, मोर नेगेटिव। एनर्जी कम रिलीज करेगा इट मीन्स वो क्या है, लेस नेगेटिव है। वो जितनी ज़्यादा एनर्जी निकालेगा ना इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इजिली से अट्रैक्ट कर रहा है वो। और इलेक्ट्रॉन को इजी से अट्रैक्ट कब करेगा, जब उसका साइज क्या होगा, स्मॉल। जितना साइज स्मॉल होगा एटम का उतना ही इजिली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव। तो जितनी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी उतना ही कैट एनायन जो फॉर्मेशन है, उतना ही जो एनायन फॉर्मेशन है वो उतना ही फटाफट हो जाएगा। फिर मीन्स यहाँ पर एटम का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज। साइज लार्ज होगा तो एंथैल्पी लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पर साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल। साइज स्मॉल होगा तो उतना ही जल्दी वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर छोड़ेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, मोल नेगेटिव हो जाएगी। तो एनायन की फॉर्मेशन हो गई है। अब जब एनायन और कैटायन की फॉर्मेशन हो गई है तो उसके बाद हम क्या दिखाते हैं, अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या होता है, फिर अट्रैक्शन होगा। और जब अट्रैक्शन होता है किसी भी दो के बीच में, किसी भी अपोजिट चार्ज स्पीसीज के बीच में, तो एनर्जी निकलती है। जब कहीं भी आप देखेंगे किसी के बीच में जब अट्रैक्शन की बात आ जाए तो वहाँ पर एनर्जी निकलेगी, और जब किसी के बीच रिपल्सन की बात आ जाए तो उनको एक दूसरे के पास लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उस रिपल्सन को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। और जब अट्रैक्शन होता है किसी के बीच में तो एनर्जी निकलती है। तो जब कैटायन और एनायन में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे फिर, लैटिस एंथैल्पी, जो कि हमारा यहाँ पर थर्ड फैक्टर है, लैटिस एंथैल्पी। इस लैटिस एंथैल्पी के बेस पे हम दिखाएंगे कि आयोनिक कंपाउंड कितना स्टेबल है, कितना ज़्यादा स्टेबल है या फिर वो कम स्टेबल है। अब लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, मैंने अभी बताया कि जब वन मोल लैटिस क्रिस्टल लैटिस की जो फॉर्मेशन होती है, वन मोल लैटिस फॉर्मेशन जब होती है तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। जब कैटायन और एनायन में अट्रैक्शन होगा तो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, एक लैटिस बनेगा, उसको हम लैटिस बोल देते हैं। और उस वन मोल अगर हमें बनाना हो, उसको वन मोल लैटिस हमें अगर हम बनाना होता है तो उस टाइम इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ही जो मोलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, लेस एनर्जेटिक, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उन्होंने निकाल दी है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो वो एस्केप कर चुके हैं, तो उनके पास एनर्जी क्या बची, कम। और जो जितना लेस एनर्जेटिक होगा उतना ही क्या होता है, मोर स्टेबल, क्योंकि उनके पास एनर्जी तो है नहीं अभी, तो वो इधर उधर भागेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे वो, मीन्स वो स्टेबल हो गए हैं, सेटिस्फाई हैं अपने आप से वो। जब तक ज़्यादा एनर्जी होती है ना हमारे अंदर, हम बोलते रहते हैं। और जब एनर्जी कम हो गई है बिल्कुल शांत, बोलने का मन ही नहीं करता है, शांत हो जाएंगे बिल्कुल। यहाँ पर स्टेबिलिटी है ना, उसका मतलब क्या है, शांत होना है, मीन्स नो मूवमेंट,
नो रिएक्टिविटी, नो भागदौड़। तो यहाँ पर जो है लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी, लैटिस एंथैल्पी जितनी हाई होगी उतना ही आयनिक कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अभी जो लैटिस एंथैल्पी है ये फर्दर डिपेंड करती है दो पॉइंट पे। लैटिस एंथैल्पी जो है इट डिपेंड्स ऑन टू पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, एक तो चार्ज ऑन आयन, आयन पे चार्ज कितना है, दूसरा साइज ऑफ आयन, उनका साइज क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, NaCl एक तो हमारे पास, एक मैंने ले लिया यहाँ पर CaCl2, एक मैंने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर ये है, इस पे चार्ज कितना है प्लस वन, और ये कितना है ये माइनस वन, यूनी यूनी, इस पे भी वन चार्ज है, इस पे भी वन चार्ज है, यूनी यूनी बैलेंट है। ये क्या है, टू है, बाई बाई वैलेंट है। क्लोरीन क्या होता है, यूनी वैलेंट बाई यूनी। इसमें क्या है, मैग्नीशियम भी बाई वैलेंट होता है, ऑक्सीजन भी बाई वैलेंट होता है। तो यूनी यूनी वैलेंट जो होते हैं जिनमें मतलब कैटन पे भी वन प्लस है और एनएन जो उसके माइनस वन है, दीज आर द लेस स्टेबल। बाई यूनी वैलेंट जो है या फिर यूनी बाई वैलेंट है वो थोड़े से ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और ये वाले जो हैं ये और भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सिर्फ कैटन की बात करें आप, अगर सपोज आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में आप देखेंगे कि नेगेटिव पार्ट को सेम चार्ज रखता है, लेकिन सोडियम और कैल्शियम में से चार्ज ज़्यादा किसके ऊपर है, कैल्शियम पे है, इसके प्लस टू है, इसके प्लस वन है, इट मीन्स इट वन दिस मीन द मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो यहाँ पर जो है कैटन ये भी प्लस टू है, ये भी प्लस टू है, लेकिन जो एनायन है इस पर माइनस वन है, और इसका जो एनायन उस पर माइनस टू है, तो यहाँ पर चार्ज हाई हुआ ना। तो कैटन की बात हो या एनायन की बात हो, यहाँ पर चार्ज हाई है, इट मीन्स दिस वन इज द मोर स्टेबल। कैसे आप दिखाएंगे, कई बार चार्ज वाला फैक्टर काम नहीं आता है तो हम साइज वाला फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है NaCl और NaBr, अब यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस वन माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन, चार्ज तो सेम है। अब कैसे कहेंगे आपकी विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो आप साइज देखेंगे, अब साइज आप देखेंगे सोडियम का दोनों में सेम ही रहेगा ना, यहाँ पर साइज क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन में से साइज बड़ा किसका है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। अब साइज जितना बड़ा होगा उतना ही जो इंटर आयनिक जो डिस्टेंस है, दोनों आयन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। और इंटर आयनिक डिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा इट मीन्स उनके बीच में अट्रैक्शन उतना ही क्या है, कम है, अट्रैक्शन कम है, इट मीन्स क्या है वो लेस स्टेबल है। दिस वन इज द लेस स्टेबल एंड दिस वन इज द मोर स्टेबल एंड दिस वन इज द मोर स्टेबल, ऐसे आपको बताना है। एक से आप देखेंगे, ध्यान में रखेंगे ये कि जो हमारे पास सेकेंड जो ग्रुप है उसमें जो हमारे पास आता है जो एलिमेंट आता है बैरिलियम, बैरिलियम फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब आते हैं। बैरिलियम जो है ये आयनिक कंपाउंड नहीं दिखाता है, ये बनाता है ऑलवेज कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है क्योंकि इसका जो कैटायन है उसका साइज बहुत ही स्मूथ होता है, तो ये एनायन को पोलराइज करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक नहीं बनाएगा। ये फाजांस रूल के अकॉर्डिंग हम दिखाते हैं, ये फाजांस रूल क्या है ये हम बाद में बताएंगे, बाद में आएगा आपके पास ये। तो ये ध्यान रखना आप ये कि बैरिलियम जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, ये नॉट आयनिक, आयनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ फैक्टर, कुछ आयनिक कंपाउंड्स की आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने टेंथ में पढ़ी हुई है, दे होता हाई मेल्टिंग पॉइंट, थ्री डी स्ट्रक्चर, दे आर द सोल्युबल इन द मोल्टन स्टेट, कंडक्टर दे आर द गुड कंडक्टर इन द मोल्टन और द सोल्यूशन फॉर्म, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, वाटर सोल्युबल होते हैं, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल करते हैं इसके बाद। ओके, बाय, थैंक यू।